हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि माल्टा में जो हमारी सैलरी आती है तो उस पर कितना टैक्स कटता है, कितनी डिडक्शन होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे साथ हैं हमारे गुरुवीर पाजी और पीछे है निक्का निक्का। निक्का फ्रॉम पंजाब। निक्का अभी आया है, नया नया आया है माल्टा। निक्के कितना टाइम हो गया माल्टा आए को? मुझे 10 दिन हो गए भाई, 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन हो गए। ठीक है, तो गुरवीर पाजी, आज आपकी सैलरी आई है। सैलरी? हाँ जी, सैलरी आ गई है। सबसे ज्यादा खुशी होती है सैलरी की, और टेंशन होती है टैक्स की कि कितना टैक्स कटेगा ना। सही बात है। तो टैक्स बहुत ज्यादा जा रहा है। चलो ठीक भी है, बट इतना टैक्स इंडिया में पूरी जिंदगी में नहीं दिया जितना यहाँ पे 1 महीने में दे रहे हैं ना। ठीक है, तो पीछे विक्की भी आ गया है और ईश्वर जी थोड़ा फ्रेम में नहीं है, तो अब आ रहे हैं हम लोग, फ्रेम में आ रहे हैं। तो गुरुवीर पाजी, कितना टैक्स कटा है आपका? टैक्स इस मंथ मेरी सैलरी राइज हुई है जनवरी से, है ना। ठीक है। पहले मेरी सैलरी थी 660 समथिंग, अभी मेरी सैलरी 8 यूरो से प्लस हुई है पर आवर। जी और जो ओवर टाइम है वो 1.5 जो होता है ना, जी जो है चलता है, कोई कंपनी 1.25 देती है, कोई 1.5 देती है। जी तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स का सिस्टम है कि अगर मैरिड जो है ना, जी मैरिड का टैक्स अलग से होता है, अनमैरिड का थोड़ा ज्यादा होता है टैक्स। जी तो जैसे मेरी, मैं 1 मिनट अभी भूल भी गया ना कि कितनी आई सैलरी, 1 मिनट जी मैं आपको दिखाता हूँ। फरवरी महीने की है, तो फरवरी महीने में मैंने जो काम किया है, जी एक सेकंड मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। जो शेयर इंडिगो है, इनका एक सॉफ्टवेयर, जी तो उसी पे हमारी सैलरी स्लिप्स बनती हैं अच्छा और उसी पे सैलरी स्लिप आती है। और जो टैक्स टैक्स डिडक्शन है जो भी है, सब वो ऑनलाइन होता है ना। इसमें कोई हम ये नहीं कर सकते कि टैक्स चोरी कर सकते हैं, जैसा कुछ नहीं होता ना। जी जी तो जैसे फरवरी महीना था, तो मेरी फरवरी महीने में जो बेसिक सैलरी है जी वो है जी मेरी 1392, ठीक है 173 आवर्स की है ना। जैसे 40 आवर्स डेली होते हैं, तो जी 173.33 रफली, आप 173 मानो, 173 आवर्स की जो सैलरी है मेरी, हाँ जी 1392 यूरोज और 90 सेंट्स ठीक है। ये आपकी जो बेसिक जो बेसिक सैलरी बेसिक होती सैलरी है। है जो जी मेरी, जी 80 यूरोज के जो हिसाब से है ना। जी और उसका जो ओवर टाइम मैंने किया है, ओवर टाइम आपको पता है ना पैसे की बहुत जरूरत है, जी जी तो ओवर टाइम मैं तो करता हूँ फुल, जितना हो जाए सब कुछ माल्टा में कहते हैं कि अगर ओवर टाइम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, जिंदगी बर्बाद है। हमारा जिंदगी एक फ्रेंड आपको बर्बाद मिलाएंगे, उसकी जिंदगी बन भी बहुत जल्दी जाती है, बर्बाद भी हो जाती है। अगर आप ओवर टाइम नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। बर्बाद है, बर्बाद है। तो जो मैंने ओवर टाइम किया है जी 99 आवर्स जी 1 मंथ में, है ना, 100 आवर्स, क्योंकि मैं सैटरडे जी भी काम करता हूँ, संडे भी करता हूँ, और रेगुलर करता हूँ काम, जी छुट्टी जी नहीं करता, बहुत बहुत कम करता हूँ। जी तो जो मेरी सैलरी आई थी जी 2387 ठीक है, रफली मतलब आइडिया, 2400 यूरो चौबीस सौ आपकी यूरो सैलरी आप मानो महीने की सैलरी सैलरी बनी। आई थी। तो इस पे मुद्दे की बात करते हैं, टैक्स कितना मुद्दे कटा? की बात ये है कि टैक्स बहुत कट जाता है जी। टैक्स ये हो जाता है कि जो सोशल सिक्योरिटी है, जी जो जानी जानी है, 4 वीक्स की हाँ जी 128 यूरोज है, जो वो सोशल सिक्योरिटी चली गई है ठीक मेरी है 128 ईयर्स। और जो टैक्स होता है, मैं मैरिड हूँ इसलिए टैक्स जो है मेरा जी वो 271 टैक्स चला गया, 128 प्लस 271। अगर हम रफली माने तो 2 एंड 1 3 रफली 400, 400 आपका टैक्स ही तो चला फोर गया। हंड्रेड यूरो जो टैक्स चला गया। जी तो 1995 जो है मेरी सैलरी आई है, ठीक है 28 डेज थे फ़रवरी में, तो अगर 31 डेज होते तो टैक्स भी थोड़ा जी, और हो जाता, और ये तो जो मतलब हर सैलरी महीने अगर आप बात करें हम तो आप कम से कम आप महीने का 400 यूरो से लेके 500 यूरो टैक्स दे रहे हो। हाँ 400 यूरो एवरेज, 400 इस मंथ, सॉरी इस ईयर में मैंने, जी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 555 यूरोज जो है टैक्स दिया है, ठीक है और 289 मैंने सोशल सिक्योरिटी दी है। रफली आइडिया 290 ये हो गया जी और 550 ये हो गया, जी है ना। मतलब 800 900 के अकॉर्डिंग मैंने जो है 2 मंथ में 900 यूरो मैंने टैक्स दे मतलब दिया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आपने लगभग 70 से 75 हजार हाँ इंडिया के वो आपने 2 महीने में टैक्स दे हाँ जी दिया, हाँ जी हाँ और जी अगर हम इसको साल से करें तो आपने साल का
कम से कम 8-9 लाख रुपए तो आप टैक्स पे कर रहे हो। काफी हो जाता है टैक्स, बहुत टैक्स हो जाता है तो अगर हम माल्टा में आप खुद ही हिसाब लगाइए कि हम जो टैक्स है वो कितना हमें पे करना पड़ता है, और अगर हम साल का करें तो अगर 7-8 लाख रुपए हम टैक्स पे कर रहे हैं इंडिया में, अगर हम काउंट करें तो बहुत ज्यादा है। ये देखो ना, अभी जो रघुवीर धालीवाल जो धालीवाल, आपकी हमारी वीडियो में होता है ना, जी 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 रूममेट है, प्यार तो प्यार से हम उसको बिल्ला भी बिल्ला बोलते भी हैं, बोलते हैं। आज बिल्ले की भी सैलरी स्लिप आई सैलरी स्लिप है। अभी उसने मुझे सेंड की है, जी तो उसका थोड़ा ज्यादा उसको लग गया ना बिल्ले का टैक्स ज्यादा कट गया टैक्स है, बहुत ज्यादा हो गया वो उसका, अनमैरिड वो अनमेरिड है वो अनमेरिड है। तो उस जब टैक्स करता है उसमें सिंगल टैक्स बैंड्स होते हैं ना, जी तो उसकी सोशल सिक्योरिटी गई है 109 यूरो, जी और उसका जो टैक्स गया है वो गया है 310 यूरो। ये हम दिखा सकते हैं गुरवीर पाजी मैं अपने ऑडियंस को। हाँ जी हाँ जी, दिखाओ तो लोकल एक में भी होगा ना कि ये फेक वो कर देने। हाँ हाँ नहीं हम दिखाएंगे, हम जो भी हम भाई शो करते इंफॉर्मेशन शो हैं कर रहे हैं एक जो बार बना शो रहे कर हैं दो। वो एक्यूरेट है, हाँ जी, तो ये हम थोड़ा ये फोन आप घुमाइए जी जी तो हम ये तो ये फ्रंट कैमरे की वजह से आपको उल्टा दिखेगा। 21 122 23 सॉरी 21 122 यूरो सैलरी आई है जी बिल्ले की है, जी और ये 310 यूरो टैक्स है, आपको ये उल्टा दिख टैक्स रहा है कटा है फ्रंट कैमरे की वजह से आपको उल्टा दिख रहा है, 300 टैक्स ये टैक्स है ऊपर, और जी ये नीचे है सोशल सिक्योरिटी 109 यूरो, जी मतलब उसने काम किया था 21 122 यूरोस का, जी और उसके टोटल डिडक्शन के बाद 1700 सैलरी बची है, मतलब 400 यूरो 400 टैक्स कट यूरो गया। उसका टैक्स कट गया ना, तो चक्कर कहाँ पे पड़ता है, ये बेसिक सैलरी है उसकी जी इधर 1187 एंड जो है नीचे इसका ये टैक्स है, ये सॉरी ओवर टाइम है, ये जी ओवर टाइम, ये सारा ओवर टाइम है, 109 घंटे उसने ओवर टाइम किया, जी तो मतलब टैक्स जो है टैक्स बहुत ज्यादा जाता है। टैक्स बहुत ज्यादा जाता है, और टैक्स कटने के बाद एक तो बिल्ले का बुरा हाल है। बिल्ले का बुरा हाल है, खुशी भी होती है कि चलो सैलरी ठीक ठाक जी निकल रही है, क्योंकि मोस्टली जो कंपनीज हैं माल्टा में जी उनकी ओवर टाइम एक तो बहुत कम है, उनका जी बहुत कम ओवर टाइम मिलता है, और नंबर दो पे क्या है कि सैलरी जो है पे स्केल उनका ज्यादा अच्छा नहीं है, जो मतलब जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, जी मैं और ये अपना रघुवीर बिल्ला हो गया, दो फ्रेंड्स हैं विक्की हैं हमारे साथ ही, आपने देखा होगा हम सब एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, तो इसलिए सैलरी भी ठीक है और ओवर टाइम अच्छा मिल जाता है। जी तो ओवर टाइम अगर मिलता है तो अच्छा है, देखिए टैक्स तो हर जगह हाँ कटेगा ही टैक्स तो कटेगा। कटेगा, अगर आपका ओवर टाइम है तो ओवर टाइम अगर आप ज्यादा करते हो तो उसका टैक्स और ज्यादा हो जाता है, जी पर अगर आपका 20-30% टैक्स जा भी रहा है तो घर पे बैठ के, अगर आप घर पे बैठे हो फ्री में है ना, जी तो आप 20-30 यूरो का खर्चा कर लोगे, जी अगर आप काम पे जा रहे हो एक तो 30 यूरो आपने जो खर्चा कर रहा था वो सेव हो गए, जी अगर आपने 60-70 यूरो का काम किया अगर उसमें से 20 यूरो आपका टैक्स भी चला गया तो भी 40 यूरो प्लस में ही, प्लस में ही हो, तो बिल्कुल घर पे बैठने का कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं अगर है। यहाँ पे कुछ पैसा कमाने हैं तो करना चाहिए ना, जी पर जी अपनी हेल्थ को और जो भी अपना डाइट है जो भी प्रॉपर उसको बैलेंस करके चलना चाहिए ना, जी जी ऐसा नहीं है कि आप पूरा काम काम करते रहो, जी तो रेस्ट भी जरूरी है, रेस्ट काम भी के साथ जरूरी है। पैसा तो कमाना ही कमाना है। तो मेन हमारा मकसद यही था ये वीडियो बनाने का कि हम बता सके कि माल्टा में कितना टैक्स कटता ये है। हमारे विक्की जी की है, आपको दिखाते हैं विक्की, ये आलो 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 पाजी, विक्की जी बैठे हैं, इनकी भी आज आई है सैलरी सैलरी आई है, विक्की बहुत खुश है आज, बट विक्की सेटिस्फाइड है टैक्स से। पाजी पूरा नहीं, मैं सेटिस्फाइड, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके सेटिस्फाइड हूँ, हाँ क्योंकि 2000 यूरो सैलरी कम नहीं है माल्टा में, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बहुत है, तो विक्की ने जो काम किया है, ऊपर घुमा ले विक्की पाजी, ने लॉक क्लक लगाया ऊपर हुआ है, ऊपर घुमा ले। हाँ एक सेकंड, हाँ जी तो ये विकी की सैलरी है, विकी ने 173 आवर्स किया बेसिक, इसकी ये सैलरी है 660 6 यूरो 60 सेंट्स, जी और 1145 जो है इसका बेसिक सैलरी आ गई, जी और इसने जो ओवर टाइम किया है 79 आवर्स 80 आवर्स रफली आइडिया मान के चलो, हाँ जी ओवर टाइम के इसको मिलते हैं 825, 825 तो 656 इसके ओवर टाइम के हो गए, 1145 इसके बेसिक हो गए, 1800 इसकी सैलरी आई है, जी और जो टैक्स कटा है 217 जी समथिंग ना, जी तो उसकी 1583 सैलरी आई है, क्योंकि ये मैरिड है ये तो मैरिड इधर लिखा है देखो मैरिड टैक्स बैंड जी, तो मैरिड, तभी थोड़ा टैक्स कम कटा है। हाँ अगर मैरिड आ जाए ना, जैसे मैं आपको उसका दिखाता हूँ बिल्ले का, जी
बिल्ले की जो सैलरी है उसमें उसका सिंगल, वो सिंगल है तो ये देखिए बेसिक 173 ईयर्स जी, और टैक्स मेन मेथड सिंगल टैक्स, सिंगल टैक्स इसमें सिंगल लिखा है। हाँ, तो जो विकी है। विकी का है डबल एट डबल, सारी दुनिया को पता चल गया ना विकी के पास में। इस पे लिखा है मैरी टैक्स बैंड्स, ये देखिए टैक्स एफएसएस मेन मेथड मैरी टैक्स बैंड, इसपे सिंगल टैक्स बैंड्स है। और मतलब मैरिड का और जो सिंगल का टैक्स का बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, 100 यूरो का एवरेज फर्क है जो तो पड़ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के गुरवीर पाजी मुद्दा ये है कि अगर आप मैरिड हो तो आपका टैक्स कम जाएगा, टैक्स कम जाएगा। सिंगल हो तो टैक्स ज्यादा जाएगा। आप शादी करवा के आओ अगर आप माल्टा आना चाहते हो तो, आप लोग अगर माल्टा आना चाहते हो और शादीशुदा नहीं है तो शादी करा के आओ तो टैक्स कम कटेगा, टैक्स कम कटेगा। पर अगर आप इंडिया नेपाल किसी भी कंट्री से हो, पाकिस्तान से हो या किसी भी कंट्री से हो, यहाँ पे टैक्स कम कटेगा। और अगर आपकी वाइफ है या जो भी मतलब आपके इंडिया में है, पाकिस्तान में, नेपाल में जी, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हो तो आपका उधर खर्चा बहुत हो जाएगा ये सोच के आप शादी करवाना, ठीक है। तो मतलब वही होगा, यहाँ टैक्स भर दो या वहां भर दो, टैक्स भरना ही है ना। तो ठीक है, बाकी ठीक है, ठीक है। सैलरीज अच्छी है जी, अगर आप काम अच्छा करोगे अपनी कंपनी को, आप मतलब अच्छा अपना जो है शो करोगे कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी इंक्रीज भी होती है। मैंने जब 6 महीने के बाद मेरा इंक्रीमेंट हो गया था तो ठीक है, सैलरी सेटिस्फाइड है ना, ठीक है। बाकी जो टैक्स है वो तो पे करना ही पड़ेगा, हमें लीगल करना है तो वो हो गई। कुछ कंपनीज हैं जो आपको टैक्स सिर्फ सोशल सिक्योरिटी काटती है, 50 यूरो या 100 यूरो, वो आपको टैक्स नहीं देती, पर उसका कहीं ना कहीं कुछ नुकसान तो है ना जी। तो अगर हम टैक्स भर रहे हैं तो अच्छी बात ही है कि कल को अगर हम किसी और कंट्री के लिए भी हम अप्लाई करते हैं तो बेनिफिट तो मिलता ही है जी। ठीक है, चलिए गुरुवीर भाई जी बहुत बहुत थैंक यू आपका, थैंक यू विकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, थैंक यू, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी।